नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक सर्वे आया, बिल्कुल जमीनी स्तर का सर्वे। लोगों से पूछा गया कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कितने बड़े असर डालेंगे, कितना बड़ा असर डालेंगे। क्या चुनाव में आप वोट देते समय सोचते हैं कि बेरोजगारी, नौकरी ना मिलना, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं या नहीं है? और देश का जनमानस क्या मानता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, राज्य की सरकारें जिम्मेदार है, या कोई और जिम्मेदार है? ये सारी बातें करूंगा मैं आज प्रोफेसर अभय दुबे जी के साथ। इस सर्वे पर बहुत विस्तार से मैं बातचीत करूंगा उनसे, और इसके अलावा मैं बातचीत करूंगा कि जो समीकरण बिगड़ता जा रहा है राजस्थान में और हरियाणा में, जाट समुदाय सड़क पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में ठाकुर नाराज हैं। आज कुछ होर्डिंग नजर आए, त्यागी समाज के लोगों ने गांव के बाहर होर्डिंग लगा दिया है, हमारी भूल, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। तो होने क्या जा रहा है, क्या कुछ नया गुल खिलने जा रहा है इन चुनाव में? और उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, लोग कह रहे थे 70 सीटें, 72 सीटें, 75 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीदों को उत्तर प्रदेश से धक्का लगने जा रहा है? पूरब से लेकर पश्चिम तक जो बगावत के सुर उठे हैं, उसने बीजेपी का सारा समीकरण बिगाड़ दिया, एकदम तार तार कर दिया है। आज भी समाजवादी पार्टी ने 2 टिकट जारी किए कौशाम्बी में, सबके निगाह लगी हुई थी राजा भैया पर। भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है राजा भैया के समर्थक, और राजा भैया उसको समर्थन देने को तैयार नहीं है। और कौशाम्बी सीट पर राजा भैया का समर्थन देने का मतलब चुनाव को बहुत बड़ा प्रभावित करना होता है। तो क्या कोई समीकरण बिगड़ रहा है? क्या वास्तव में बीजेपी थोड़ा हॉट वाटर में आ रही है? और आ रही है तो फिर प्रधानमंत्री करेंगे तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा गले में अटक गया है, और खास तौर से चिंता बढ़ गई है महाराष्ट्र और राजस्थान के रोज बिगड़ते हुए स्वरूप को देखकर, उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हुए स्वरूप को देखकर। तो चलते हैं आज अभय दुबे जी के पास, बहुत देश के जाने वाले पत्रकार हैं वो, आप रोज उनको ABP चैनल पर देखते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत जबरदस्त पकड़ है राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर, और उनका पत्रकारिता का विश्लेषण का पूरा दुनिया लोहा मानती है। उनके पास चलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में अभय जी आपका, और मैं बात शुरू करना चाहता हूं प्रधानमंत्री के मछली प्रेम से। प्रधानमंत्री को अब यही काम बचा है कि वो चुनाव में ये देखें कि किस नेता ने मछली खा ली। आप पूछिए, देश का चुनाव है, 140 करोड़ के देश के भाग विधाता होंगे, जो भी सरकार चलाएंगे उनके जिंदगी तय करेंगे। देश का प्राइम मिनिस्टर हेल्थ पे, बेरोजगारी पे, किसानों पे, इस पे नहीं बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को चिंता है कि साहब उसने नवरात्रि में मछली खा ली। मैंने ट्वीट किया, मैंने 2 दिन से लगातार चिकन खा रहा हूँ, क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा? मैंने लिखा है कि कलकत्ता में माँ काली का मंदिर है, वहां रोज भैंसे की, बकरी की बलि दी जाती है। माँ कामाख्या का मंदिर है, वहां दिन भर बकरी की बलि चढ़ती है। और बंगाल में तो, बंगाल से ज्यादा नवरात्रि में पूजा कौन करता है? बंगाल में तो पूजा के बाद मछली खाते खाते है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कोई क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने? देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है चुनाव में, वो कहे कि उन नेता ने मटन खाते हुए, मछली खाते हुए फोटो आपको चिढ़ाने के लिए पोस्ट किया। इतना स्तर गिर जाएगा इस देश का, कभी आपने कल्पना करी थी? दुनिया हंस रही है हम पर। आपका क्या मानना है भाई जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हमारे पास ऐसा कोई यंत्र हो जिसको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर में लगा के झांक सकें उसके अंदर क्या चल रहा है, तो तस्वीर हमारे सामने पूरी तरह साफ हो जाएगी। आपको वहां बेचैनी ही बेचैनी दिखेगी, आपको वहां पर दुश्चिंताएं दिखेंगी। उसकी वजह यह है, अगर उन्हें प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बनना है तो उन्हें 2019 जैसा परिणाम अपने आधार क्षेत्र में फिर से 100% दोहराना है। और उनकी समस्या यही है कि वो परिणाम दोहराते हुए वो नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये दो सवाल ऐसे हैं जिनको जब तक वो छुपाएंगे नहीं, जब तक उसके आगे कोई एक आवरण नहीं खड़ा करेंगे, जब तक इस प्रकार की सनातन वाली बात नहीं करेंगे, जब तक वो भ्रष्टाचार वाली बात नहीं करेंगे, जब तक ये सब बात नहीं करेंगे, तब तक वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को नहीं छिपा पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके तमाम क्षेत्रीय और दूसरे तरह के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसने वहां पर मछली खा ली, वो सनातन को चुनौती दे रहा है, और विपक्ष के सब लोग भ्रष्टाचार है। अभी उन्होंने
हिंदी के हिंदुस्तान, अंग्रेजी के मिंट और अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स में एक एक पेज का इंटरव्यू प्रधानमंत्री का छपा है। उसमें उन्होंने एक विचित्र दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय जितने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है उसमें राजनीतिक नेताओं संबंधित मामले केवल 3% है। आप सोचिए, कोई मानेगा इस आंकड़े को? लेकिन प्रधानमंत्री कोई जिरह नहीं कर सकता। मिंट ने तो इसको हेडिंग बनाया है, प्रधानमंत्री के साथ कोई जिरह नहीं कर सकता, जिरह करने के लिए वो मौजूद ही नहीं है। इस तरह के इंटरव्यू तो सवाल भेज दिए जाते हैं, उधर से जवाब लिख के आ जाते हैं हिंदी अंग्रेजी में, इस तरीके से इंटरव्यू चलते हैं। क्योंकि ये सब इस तरीके से होता है, प्रधानमंत्री से जिरह करना, उनकी बात का जवाब देना, उनकी बात काटना लोकतांत्रिक तरीके से तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है पत्रकारिता के लिए, वो मीडिया मंचों में उपलब्ध नहीं है प्रधानमंत्री, इसलिए वो इस तरह की बातें कह के निकल जाते हैं। देखिए, असली मुद्दा यह है कि इस वक्त पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के जबरदस्त त्रास से गुजर रहा है, और जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि 2024 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे यही दोनों होंगे। मैं आप चाहें तो मैं आपके सामने इसके आंकड़े पेश कर सकता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अभय जी, मैं आपसे लावड़ा पैदा किया जा रहा है, मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने देखा था आप एबीपी चैनल पर थे और वो लोक नीति का जो सर्वे आया है, मैं वो उसी विषय पर लौटना चाहता हूँ। वो सर्वे है क्या और उस सर्वे के जो संदेश निकल रहे हैं देश के चुनाव में, वो कितना असर डालते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए साफ कर दूं कि देश का सबसे बड़ा सोशल साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, समाज विज्ञान का अनुसंधान केंद्र, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज है, जिसे हम हिंदी में लोक नीति, हाँ, सीएसडीएस के नाम से जो विख्यात है, और उसका एक चुनावी सर्वेक्षण करने का या जनता की राय जानने वाला एक विभाग है जो कि लोक नीति के नाम से विख्यात है। योगेंद्र यादव उसके निदेशक रह चुके हैं, इस वक्त प्रोफेसर संजय कुमार उसके निदेशक हैं। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं विकासशील समाज अध्ययन पीठ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावी संस्थान है। इस देश में इलेक्टोरल चुनावी सर्वेक्षण की नींव डालने का काम इस संस्थान ने किया है। उसी लोक नीति ने संजय कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में 10,000 से ज्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा सैंपल बनाया और उनसे पूछा कि दरअसल चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं, किसी पार्टी का किस पार्टी कितने ज्यादा वोट मिलेंगे, ये सब उन्होंने नहीं पूछा जो आमतौर पर इलेक्टोरल सर्वे में होता है। उन्होंने पूछा चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं, और जो नतीजा निकल के आया वो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम कर देने वाला नतीजा है। मैं चाहूंगा कि आप जरा आपके जरिए मैं 4 PM के जो दर्शक हैं उन तक ये आंकड़े पहुंचाऊं। सवाल ये है कि 2024 में कौन सा मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा? तो बेरोजगारी को चुनाव में हावी रहने वाले मुद्दे के तौर पर चिन्हित करने वाले हैं 27% लोग, महंगाई को मुद्दा बताने वाले लोग हैं 23%, भ्रष्टाचार को मुद्दा बताने वाले लोग हैं केवल 8%, विकास को मुद्दा बताने वाले लोग हैं 13%, और जानते हो राम मंदिर को मुद्दा बताने वाले कितने लोग हैं? केवल 8%। बस हिंदुत्व को मुद्दा बनाने वाले जानते कितने लोग हैं? 2%। केवल, यानी केवल 2% लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, 8% राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, अंतरराष्ट्रीय छवि की भारत इतना मजबूत हो गया, भारत इतना ये उसको केवल 2% लोग कहते हैं। आरक्षण को केवल 2% लोग मुद्दा बताते हैं, और कुछ दूसरे मुद्दों को छोटे मोड़े 9% लोग कहते हैं, और कोई जवाब देने वाले 6% लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश की जनता, अगर इस 10,000 के सैंपल को अगर हम हांडी के एक चावल की तरह माने देखें, तो मुख्य मुद्दा 2024 के चुनाव में मतदाता बेरोजगारी को मानते हैं और महंगाई को मानते हैं। प्रधानमंत्री मुद्दा किसको बनाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को। प्रधानमंत्री किसको मुद्दा बनाना चाहते हैं? राम मंदिर को। प्रधानमंत्री किसको मुद्दा बनाना चाहते हैं? हिंदुत्व को, सनातन को। प्रधानमंत्री किसको मुद्दा बनाना चाहते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की बेचैनियों का सबब क्या है, उनकी बेचैनियों का स्रोत क्या है। अभी तक वो देश की जनता को यही नहीं समझा पाए हैं कि भ्रष्टाचार जो है 2024 का प्रमुख मुद्दा है। सारी दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग लग गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं और वो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। ये स्थिति है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा सर्वे आया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कितने % लोग मानते हैं कि गलत कर रही है बीजेपी, तो बहुमत उसमें भी यही था कि
कि चुनाव से पहले लोग कह भी रहे थे चुनाव से पहले ये कार्रवाई कर रहे हैं और सारे सारे बेईमान चुन चुन के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जा रहे हैं, इधर से डालो बेईमान उधर से ईमानदार आदमी निकलेगा। 72% उस सैंपल में 72% लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्ट नेताओं को दूसरी पार्टियों से अपने यहाँ लेती है तो या तो उनके मामलों की जांच धीमी कर दी जाती है या जांच बंद कर दी जाती है। तो ये तो बहुत खतरनाक संकेत है। और दूसरा, भारत में इस बार सबसे ज्यादा नौजवानों की भीड़ है, नौजवान वोटर है, सब जने फोकस भी उन पे कर रहे हैं। मैंने पूछा था, मैंने जहां रहता हूँ वहां पे कई नौजवान बच्चे हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज मैंने जस्ट अपनी जानकारी के लिए 7-8 नौजवानों से बात करी। मैं कहा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नवरात्रि में मछली खा के बड़ा गुनाह किया, क्या खाना चाहिए? तो वो आप यकीन मानिए अभय जी, सबके सब बच्चे कह रहे हैं कि क्या बेवकूफी की बात है, हम क्या खाएंगे ये हम तय करेंगे। आज की जनरेशन, नई जनरेशन, नौजवान पीढ़ी को आप ये बताओ कि साहब नवरात्रि में मटन नहीं खाना चाहिए, सुबह सुबह उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस दिन ये कपड़े पहनना चाहिए। नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो चांद पर पहुंचने की बात कर रही है और आप उसको पुरातन व्यवस्था में ले जा रहे हैं। उसको पता है कि भाई नॉनवेज खाना इतना बड़ा अपराध नहीं है और नवरात्रि में बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, अपराध नहीं है नॉनवेज खाना, लेकिन उनको लगता है कि इस नॉनवेज को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आ रहा कि ये जो नौजवान पीढ़ी है ना, वो इन मटन में चिकन में नहीं उलझने वाली, वो नौकरी के सवाल पे खड़ी है, वो अपने जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो चुनाव में फिसलने वाले हैं तब तब वो सांप्रदायिक या धार्मिक किस्म के मुद्दों का सहारा लेना शुरू कर देते। ये एक मैंने पहले भी 4 PM के मंच पे आपसे बातचीत करते हुए कहा है और वो पहली निशानी होती है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। अब आप देखिए, भारत में नौकरी मिलना मुश्किल है कि आसान है? तो 62% लोग कह रहे हैं कि भारत में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। पहले जैसा ही है, वैसे 18% लोग कह रहे हैं आसान है, केवल 12% लोग कह रहे हैं। अब कहां कहां के लोग क्या क्या मानते हैं? गांव के 62% लोग मानते हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है, शहर के 59% लोग मानते हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है, महानगर के 65% लोग मानते हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है, महिलाओं में 59% महिलाएं मानती हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है, 65% पुरुष मानते हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब आप जातिवार देखिए, आप ये मतलब ये बेरोजगारी की समस्या ऐसा नहीं है कि समाज में किसी एक समुदाय को प्रभावित कर रही हो, किसी एक जातिगत समूह को प्रभावित कर रही हो, ऐसी बात नहीं है। जब ऊंची जातियों से पूछा गया कि भाई भारत में नौकरी मिलना मुश्किल है या आसान है, तो ऊंची जातियों में कहा 57% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना मुश्किल है, केवल 17% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना आसान है। जब OBC यानी पिछड़ी जातियों में पूछा गया तो 63% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना मुश्किल है, अनुसूचित जातियों में पूछा गया तो फिर से 63% का आंकड़ा आया, आदिवासियों से पूछा गया तो 59% का आंकड़ा आया, मुसलमानों में तो यह आंकड़ा 67% तक चला गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि समाज का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी धर्मावलंबी, किसी भी कोई जाति का, जिसको आसानी के साथ में रोजगार उपलब्ध हो इस शासनकाल में। ये बात सही है, अगर हम आर्थिक इतिहास पे गौर करें, पिछले 20 साल के आर्थिक इतिहास पे गौर करें तो हमारी अर्थव्यवस्था की रोजगार देने की क्षमताएं कांग्रेस के जमाने से ही घट रही है, लेकिन इतनी बुरी हालत पहले कभी भी नहीं थी, इतनी बुरी हालत आज है। 10 साल से नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहे हैं, अब ये कांग्रेस की सरकार के ऊपर किसी भी वहां उसके दरवाजे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई देश की जनता को रोजगार दे पाने में ये असमर्थ क्यों है। अब स्थिति यह है कि जो कौशल विकास मंत्रालय है उसमें जितने लोगों का कौशल विकास किया गया है लोगों ने पिछले 5 वर्ष में, उसमें से केवल 18% लोगों को ही नौकरी दे पाई है, बाकी लोगों को नौकरी दे ही नहीं पाए, वो तथाकथित अपने कौशल का विकास करके घर में बेरोजगार बैठे हुए। बेरोजगारी तो एक ऐसा प्रश्न है कि अगर विपक्ष उसको ये मुद्दा बना दे, उसका राजनीतिकरण कर दे, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंधी चल पड़ेगी। कांग्रेस थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देखिए उसमें सभी मुद्दे हैं, अब देखिए उसको कहां तक वो ले जा पाते हैं। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोगों का ध्यान न जाए और लोग दूसरे मुद्दों को अपने वोट की प्राथमिकता बनाए। बिल्कुल ठीक बात है। और एक मजेदार बयान और आया है प्रधानमंत्री जी का कि भाई अभी तो ये नाश्ता टाइप का है, अभी थाली आना बाकी है, तो लोग उसमें तो लोग पूछ रहे हैं कि 10 साल में नाश्ता ही आ पाया,
थाली लाने के लिए और 25-30 साल चाहिए। ये क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी इस तरह के बयान देते नहीं थे क्या? कुछ गड़बड़ा रहा है, कुछ परेशान है? ये दुर्गति इनकी 2019 में हो जानी थी। ये जो अभी स्थिति आप इनकी देख रहे हैं, ये स्थिति 2019 में ही हो जानी थी, लेकिन 2019 में बिल्ली के भाग से छींका फूट गया और इनको इनको पुलवामा का अटैक मिल गया। पुलवामा पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, उसमें सीआरपी के जवान मारे गए। उसके बाद में वहां पे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई आतंकवादी कैंपों के ऊपर, आतंकवादी ठिकानों के ऊपर। उसका लाभ उठाकर नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रवाद की लहर चला दी सारे देश में, और बहुत जगहों पर उनको जो 2014 में वोट मिले उसके अतिरिक्त वोट तक मिल गए। वरना बहुसत्ता भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर आती, लेकिन उसको साफ स्पष्ट बहुमत तो किसी कीमत पर नहीं मिलता। इस बार ये चुनाव जो है ये सामान्य चुनाव है, ये प्रधानमंत्री की सरकार के कामकाज के ऊपर चुनाव हो रहा है। ये पहला चुनाव है। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज पर नहीं था, वो कांग्रेस की सरकार के कामकाज पर था और उसके ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का साया था। ये चुनाव 2019 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज पर ना होकर ये बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर चुनाव था, उसमें उसका उन्हें फायदा मिला। ये चुनाव ऐसा है जिसमें आज की तारीख तक इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो जनता की बुनियादी समस्याओं से वोटर का ध्यान हटा सके। देखो ठीक है अमित जी, लोग अभी भी सवाल उठाते हैं कि पुलवामा का जो हमला हुआ था, आज 5 साल हो गए, उसकी जांच कहाँ है? किसी को नहीं पता। लोग सवाल उठाते हैं वो डिप्टी एसपी पकड़ा गया था देवेंद्र, वो कहाँ है आज? किसी को नहीं पता। तो अब अगर उस पर कोई हम सवाल उठाएगा कि भैया उसके पीछे साजिश थी, तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान प्रेमी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो प्रधानमंत्री के बयान जो कहते थे कोरोना में लाशें गिर रही होती थी, वो कहते थे टॉर्च जलाओ, लोग दीवानों की तरह टॉर्च जलाते थे, ढोल बजाते थे, गोबर लगा लिया करते थे, मतलब जितने बेवकूफी के काम हो सकते हैं प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने सब करा लिए। मतलब इससे ज्यादा पागलपंथी की बेवकूफी काम हो नहीं सकते थे। तो जो जनता इतना मान रही थी कह रहा प्रधानमंत्री जी का, क्या कारण है कि वो जनता अब हत्या से उखड़ रही है? ये जो सर्वे आपने बताया है, जो सर्वे कारण यही दो है ना संजय जी, मैं तो कह रहा हूँ कारण दो। अभी मैंने केवल बेरोजगारी का जिक्र किया है, अब मैं महंगाई पे आता हूँ। अब जरा महंगाई पे, भारत में महंगाई बढ़ी या घटी? 62% लोग कह रहे हैं पहले से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। पहले जैसे हालात है 18% लोग कह रहे हैं, पहले से कम हुई है केवल 12% लोग कह रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने जब आंकड़े रखे जाते हैं तो बड़े तिरस्कार से आंकड़ों को झूठा करार देते हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं कि अमेरिकी राजदूत ने यह बयान दिया है कि भारत में इतना निवेश हो रहा है, अमेरिकी राजदूत ने यह बयान दिया है, इस तरह की बातें करते हैं बोले अगर है। और फिर एक और बात कहते हैं कि अगर देश की सरकार में भरोसा नहीं होता, प्रधानमंत्री जी तो भरोसा नहीं होता, तो बार बार चुन के नहीं आते। तो इस बार यही परीक्षा है, इस बार यही परीक्षा है कि इस बार वो चुन के इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के कामकाज के ऊपर लोगों से वोट मांगना पड़ रहा है, और वो इसलिए बचना चाहते हैं। कितना उन्होंने मांगा कि महंगाई बढ़ी है? 76% गरीब मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, 66% मध्यवर्गीय लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, 68% ऊंची उच्च वर्गीय लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, 72% गाँव के लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, 69% शहर के लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, 66% महानगर के लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। और सुनिए, महंगाई के देश में महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देश में महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार 26% लोग मानते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार को मानते हैं कि 12% जिम्मेदार है, दोनों सरकारें जिम्मेदार है 56% लोग मानते हैं। अब इस देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार इनका नारा है, हर जगह चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। 56% लोग देश में मानते हैं कि दोनों सरकार हैं, केंद्र राष्ट्र सरकार और राज्य सरकार दोनों महंगाई के लिए जिम्मेदार है, और 26% लोग तो केवल केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। एक इस मुद्दे के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया कि एक साजिश की जा रही है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव के से मिले, साथ मिले आके, दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो पूरा घटनाक्रम है, मुझे तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को थाली परोस के दे दी मोदी जी ने। जो सहानुभूति बड़ी है आम आदमी पार्टी की, जो लोकसभा के नतीजे आएंगे वो बताएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल भी एक बड़ा कारण बन जाए मोदी जी को सत्ता से दूर करने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
की स्थिति वो है जो दूध के जले की होती है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारतीय जनता पार्टी का दूध जो है वो 2013 और 14 में जल गया था। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से अल्पमत की सरकार बनाई और वो सरकार थोड़ी दिन चली, उसके बाद सरकार गिर गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, नरेंद्र मोदी प्रधान अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में दिल्ली की विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया, भंग नहीं किया, निलंबित कर दिया विधानसभा को, और दिल्ली पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत लग गई। जब तक 2015 में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ वो हुकूमत लगी रही और आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती रही, भारतीय जनता पार्टी सरकारी पार्टी बन गई। तो जितना भी एंटी इनकम्बेंसी, नौकरशाहों की हुकूमत बहुत खराब होती है, उससे जनता बहुत नाराज हो जाती है, तो जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी जमा हुई वो सब भाजपा के ठीकरे, उसका ठीकरा फूटा और 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें रह गई। तो हम लोग व्यंग से कहते थे कि भाई ये केस सीबीआई को जरूर जाना चाहिए कि भाजपा 3 सीटें कैसे जीती। हालत तो ये थी, मैंने तो कहा था एनडीटीवी था उस दिन में, ये केस सीबीआई को जरूर जानी चाहिए कि भाजपा 3 सीटें कैसे जीती। तो अब भाजपा के सामने गेंद भाजपा के पाले में है, भाजपा चाहे तो एलजी की रिपोर्ट का सहारा लेकर गृह मंत्रालय से जो कुछ विशेष किस्म के 2 प्रावधान हैं उन प्रावधानों का, क्योंकि दिल्ली एक अलग तरह का राज्य है, उसमें दूसरे राज्यों के पूरे राज्य के लिए प्रावधान नहीं लागू होते, तो दिल्ली राज्य के लिए अलग तरह के प्रावधान है, उन प्रावधानों का सहारा लेकर दिल्ली में केंद्रीय शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है, वो 24 घंटे के अंदर ही काम हो सकता है। और इसी काम को सुलभ करने के लिए राजकुमार आनंद का इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि राजकुमार आनंद का इस्तीफा दिलवाया गया, उसी के नया मंत्री अब नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, उसके जो विभाग हैं उन विभागों का आवंटन दूसरे मंत्रियों को नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मुख्यमंत्री जेल में है, यहाँ तक कि राजकुमार आनंद का इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ है, तो मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री का बाहर रहना जरूरी है, वो मंजूर करेंगे फिर एलजी को भेजेंगे तभी तो इस्तीफा माना जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि इसका दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल को मजबूर करें किसी दूसरे को वो मुख्यमंत्री बनाए। अरविंद केजरीवाल ये काम करने वाले नहीं, ये अफवाह भी उड़ाई जा रही है कि भाई अपनी पत्नी को उन्हें मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं लेकिन संजय सिंह नहीं बनने दे रहे। हाँ। इस प्रकार की मनिंदरजीत सिंह सिरसा ने ये बयान दिया है, तो इस प्रकार की अफवाहें भी उड़ाई जा रही है, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। वस्तुस्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा को मजबूर कर देना चाहते हैं कि या तो वो उन्हें जेल से सरकार चलाने दे या विधानसभा भंग करके एलजी की हुकूमत लागू करे। जैसे ही वो एलजी की हुकूमत लागू करेगी आम आदमी पार्टी विपक्ष में चली जाएगी और फिर वो जनता को बताएगी कि भाई ये क्या क्या काम नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। ठीक बात है। हाँ, तो ये स्थिति होने वाली है और फिर लोकसभा चुनाव में भी इनको बहुत फायदा होगा आम आदमी पार्टी को इससे, और विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये 8 सीटें भी प्राप्त नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिंपैथी का मैं देख रहा हूँ तापमान बहुत बड़ा हुआ है इस बीच में। अभय जी, गुजरात, राजस्थान, यहाँ के जो संकेत आ रहे हैं उसके साथ उत्तर प्रदेश, मैंने आज ट्वीट किया है, होर्डिंग लग गए, अब तक तो वहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और ठाकुर नाराज थे, आज वहाँ त्यागी समाज के लोगों ने वो लगा दिया है, वहां पे मैं देख रहा था होर्डिंग लगा हुआ था त्यागी समाज का और उन्होंने लगा रखा है कि हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। तो यानी अब जाट, ठाकुर, त्यागी, ये सारा समाज अगर खड़ा हो गया तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी ना। फिर क्या लग रहा है आपको कि ये इन सब चीजों से बीजेपी कैसे निपटेगी? चुनाव में दिन ही कितने बचे हैं। देखिए, अब उनके पास तो हर चीज का एक ही जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास भाई नरेंद्र मोदी है, हर चीज का जवाब नरेंद्र मोदी के रूप में दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी ने देश को मजबूत किया, सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द हो रहा है। इसकी वजह से भाजपा के अंदर भी कुछ नाराजगी है कि भाई सब कुछ भाजपा कुछ है ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता कुछ है ही नहीं, अन्य नेता कुछ है ही नहीं, सब कुछ है नरेंद्र मोदी है, केवल नरेंद्र मोदी, केवल नरेंद्र मोदी, केवल नरेंद्र मोदी, बस वही भाजपा का पूरा गेम जो है यही है। हालांकि इस गेम की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा था कि आप कमल पे बटन दबाइए आपका वोट सीधे मुझे मिलेगा, तब से आज तक लगातार वो सब जगह ये कहते रहे हैं, लेकिन अब ये चीज अपने चरम पे पहुंच चुकी है।
क्योंकि दोस्त और कुछ बताने के लिए है नहीं इनके पास। ठीक बात है। सबसे बढ़िया बात यह है, अवैध जी एक बीजेपी के नेता है, मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे अब तो ये हाल होगी कि आएगा तो मोदी और जाएगा तो मोदी, तो ये चलने लगा है। लेकिन देखते हैं कि चुनाव का क्या सीन रहेगा। बहुत पास आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया अवैध जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार आपका। तो ये थे अवैध दुबे जी, और हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि देश के मौजूदा हालात कैसे हैं और क्या क्या हो सकता है। मुझको यकीन है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।